हमारी सरजमीन पर वो इस खंजर की तरह दाखिल हुए हैं निकोला। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं उन्हें निकाल बाहर करूंगा, बिल्कुल इस खंजर की तरह। निकोला, 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 सिपाहियों वालिज को बुलाओ। निकोला, सब्र, सब्र मेरे दोस्त। निकोला, 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 जाओ यहां से। फंस गए हैं, बचाओ खुद को। अकेला तुम क्या कर रही थी वहां आइगुल? हमने उसे मार दिया। वो मरा नहीं होगा। मैंने तुम्हें आने से मना किया था। मैं हाथों में तलवार लिए इस जंग में तुम्हारे साथ खड़ी होना चाहती हूं। एक और कौन है यहाँ? मैं हूँ उस्मान। आइगुल, क्या करने आई हो तुम यहाँ? मदद करना चाहती हूँ। कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ, वापस जाओ। तुम्हें डर है कि मैं मर ना जाऊं, है ना? फिक्र ना करो, पहले ही मर चुकी हूँ मैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी होना चाहती हूं। कुछ भी कहो नहीं जाऊंगी। आइगुल, जो मैं कह रहा हूं वो करो, मेरे पीछे मत आना। मैं मदद करना चाहती हूं तुम्हारी। मदद करना चाहती हो तो मेरी बात माननी होगी। पीछे मत आना आइगुल। जो आपका हुक्म हुजूर। चलो, तुम्हारी मोहब्बत ने मार डाला है मुझे उस्मान। अब दुश्मन मेरा भला क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हारा इंतजार करते करते बड़ी हुई हूँ उस्मान।
तुम मुझे अपने मकसद पर कुर्बान होने से नहीं रोक सकते। आने से मना किया था ना तुम्हें, फिर भी चली आई। हाँ मैं आई हूँ। फिर क्यों चली आई तुम? मुझसे कुछ भी मत पूछो उस्मान, देखो गौर से, अब पहले वाली आयगुल नहीं हूं मैं, अब बस एक सिपाही बनना चाहती हूँ। मैं शहीद होकर अल्लाह के पास जाना चाहती हूँ। गोक्तुक, वहां जाकर आग जला, आयगुल का जख्म दागना होगा हमें। आओ बेटी आ जाओ। मेरी प्यारी बेटी बाला, क्या तुम औलाद ना होने की वजह से परेशान हो? जरा देखो आयगुल अपने इस मासूम बच्चे से कितनी परेशान है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, परवरदिगार ने हमेशा उम्मीद कायम रखने का हुक्म दिया है। हम उम्मीद कायम रखेंगे और हमेशा अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। तुम उस्मान साहब से बहुत प्यार करती हो बाला। बताओगी कितना प्यार करती हो? तुम्हारे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन चूंकि तुम्हें बहुत इश्तियाक है अपने इस दिल से हर चीज निकाल कर फेंक दूं, सिर्फ उनका प्यार हो यहां, अगर मैं किसी से इतना प्यार करती तो उसके दिल में मेरे अलावा और कोई भी नहीं होता। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या उस्मान उस जालिम से निमट चुका होगा? हाँ जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, आप परेशान ना हो, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।
झंडा है रोम का, नया शहंशाह निकोला। तो तुम शहंशाह बनना चाहते हो? हाँ, वो कामयाब हो गया फलातियोस, कले में घुसकर सबसे बचकर मुझ पे हमला किया। तुम्हारे ख्वाबों ने तुम्हें बचा लिया निकोला, तुम्हारे शहंशाह बनने के ख्वाब ने। ये एक इशारा है, मुझे नई जिंदगी मिली है फलातियोस, ताकि मैं इन तुर्कों को खत्म करके एक नई सल्तनत का कयाम कर सकूं फलातियोस, या यसु मसीह की तरह। मैं आज कसम खाता हूं फलातियोस कि इनसे हिसाब जरूर लूंगा। मैं काइयों का वो हाल करूंगा कि उनकी लाशों को दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा, हत्ता के उनकी लाशों का पहाड़ खड़ा कर दूंगा। और उस्मान का सर तन से जुदा करके उस पहाड़ की चोटी बनाऊंगा। आईगुल, मुझे दो, मैं करता हूं, छोड़ दो। आईगुल मत करो, छोड़ दो। क्या कर रही हो तुम ये? आसान नहीं है, यह सफर बहुत मुश्किल है। कुछ तो है जो दहकते हुए लोहे से ज्यादा तकलीफ दे है। बताओ मुझे क्या हुआ है? मेरे पास मेरा बच्चा है। क्या मतलब है? बच्चा है उस्मान, आलीशार का। वही जिसका सर कलम किया तुमने। ये क्या कह रही हो तुम आईगुल? आलीशार का नहीं, जिंदगियां देने वाली जात अल्लाह की है।
तो वो बच्चा मेरा भांजा है। तो क्या वो लड़का है? लड़का है क्या, बताओ मुझे। बताओ ना, उसका नाम क्या है? कोई नाम नहीं है। नाम नहीं रखा उसका? तो ठीक है, उसका नाम उसके मामूजान रखेंगे। उसका नाम काईअल्प होगा, यानी काई सिपाही। तो एक और बहादुर सिपाही का इजाफा हो गया। इंशाल्लाह वो भी आयगुल खातून की तरह जंगजू होगा। इसका क्या मतलब है गजल? दुंदार साहब, आप क्या चाहते हैं कि मैं ये तलवार इस्तेमाल करूं? ये तुम किस पर इस्तेमाल करने वाली हो? आयगुल पर। ये तुम क्या कह रही हो खातून? तुम ये तलवार मेरी बेटी पर कैसे इस्तेमाल करोगी? इस तरह से जैसा कि उसने मुझ पर की थी। आयगुल कहाँ है? वो वापस आ चुकी है। सलजान खातून ने उसे हर एक से छुपा कर रखा हुआ था। एक सिपाही की तरह तरबियत करके मुझ पे छोड़ दिया। उसने तो मुझे मार ही डालना था। अब मैं आपसे पूछती हूँ दुंदार साहब, क्या मैं बैठ कर दोबारा उसके वार का इंतजार करती रहूं, या फिर मुझे उस पर हमला कर देना चाहिए? मेरी बेटी कहां है? कहां है वो? कहां है? क्या मैं अंदर आ सकती हूं दुंदार साहब? आ जाएं सलजान खातून। किसी और वक्त आ जाऊंगी।
रुके सलजान खातून। ये बच्चा किसका है? आपकी बेटी का। आईगुल का। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? आईगुल का बच्चा? कैसे? उस्मान ने जिस आदमी का सर कलम किया था उससे, आलीशार से। आलीशार है? आलीशार? इस बच्चे को इतने अरसे तक आपने मुझसे क्यों छुपाए रखा? बताएं मुझे। ये जिंदा वापस कैसे आ गया? आईगुल, तुम्हारे बाबा परेशान थे कि तुम कहां थी आईगुल? हम कुलूजा सार गए और काफिरों पर हमला किया। हमने जंग जीती और सलामती के साथ वापस आए हैं अपने कबीले। तुमने ये क्या किया? क्या हुआ भाईजान, इतने गुस्से में क्यों है? उस्मान, फिक्र मत कीजिए, खंजर उसके दिल में व्यवस्थ नहीं हुआ। फिक्र ना करें, वो जिंदा है। जिसको आदत करनी है वो जाए। मेरी बात सुनना तो एक तरफ, तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो, सरकश हो रहे हो तुम। वहां जाकर कुछ गलत नहीं किया मैंने। मैं सिर्फ उन्हें दिखाना चाहता था कि उन्हें इस कले में कभी चैन नहीं मिलेगा। या!
अगर तुम मेरे भाई ना होते तो। हर चीज इतनी आसान नहीं होती है भाई। भाई हूं मैं आपका। कोई ना भी चाहे फिर भी काइयों की खिदमत करूंगा। कोई करे ना करे, दुश्मन पर हमला मैं करूंगा। आप लड़े या ना लड़े, लेकिन मैं हर रोज लड़ूंगा जब तक के हमारा कबीला सुख का सांस ना ले ले। हर कोई ये बात सहन नशीन कर ले। निकोला, ठीक हूं मैं। सब गौर से सुन लो, फतह सिर्फ हमारी होगी। हमने कोलोजा हिसार फतह किया और वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बाजियाब करवा पाए। हमने क्या किया, हम काई कबीले में खंजर की तरह घुस गए और उन्होंने मुझे खंजर खोंक दिया। एक बात याद रखना हमेशा, अजीम रियासतें जंगें जीतती हैं, जंगें, और छोटी रियासतें छोटी मोटी बहादुरी से खुद को तसल्ली देती है। और मुझे तसल्लियां पसंद नहीं। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। काइयों ने हमसे जो कुछ भी छीना है, हम एक एक करके वापस ले लेंगे। वो हम पर हमला करेंगे। हो सकता है वो हमें जख्मी करें। कोई भी फतह आसान नहीं होती, नहीं होती मेरे अजीज दोस्त। क्या फतह हासिल करना आसान होता है? ये आसान फतह नहीं निकोला। कोई फतह आसान नहीं होती। जब भी किसी के सर पर फतह का ताज देखें तो समझ लें उसने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। तो हमें क्या करना होगा? हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी और फिर हम रोम को दोबारा जिंदा करेंगे। कल हम सऊद में होंगे, आग लगा देंगे, खाक में मिला देंगे। हम इस सरजमीन को दोबारा फतह करेंगे। उस्मान अगर चाहे तो छोटी मोटी बहादुरियों से तसल्ली देता रहे खुद को। हम उनके रहने के लिए कोई जगह, कदम रखने के लिए कोई जमीन और सांस लेने के लिए कोई फिजा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। आज के दिन मुझे नई जिंदगी मिली है। जी बिल्कुल। और आज मैं कसम खाता हूं कि मैं तुर्कों को पूरी दुनिया के लिए इबरत बना दूंगा। जी बिल्कुल। जो मौत को शिकस्त दे दे उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जी बिल्कुल। हाँ, मैं आया निकोला जिसने मौत को भी शिकस्त दे दी। जी बिल्कुल। मैं नाकाबले शिकस्त हूं, नाकाबले शिकस्त। निकोला जिंदाबाद।
निकोला जिंदाबाद, निकोला जिंदाबाद, निकोला जिंदाबाद, निकोला जिंदाबाद, निकोला जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए काई के लोगों, हमारे कबीले को एक नया सिपाही मिला है। इसका नाम है काई सिपाही। इसके नाना सुलेमान शाह के बेटे दुंदार साहब हैं और इसकी वालिदा गुलूजा हिसार की गाजी आइगुल खातून है। ये काई की तरह परवरिश पाएगा और काइयों के बीच एक मौसिस फर्द होगा। इस मासूम पे मेरी जान कुर्बान, खुदा करे कबीले का फखर बने बेटा। आइगुल खातून आइए, नीचे उतर आइए और हसरत भरी निगाहों से आपके मुंतजर अपने बाबा से मिलिए। मेरी बेटी, मेरी आइगुल, मेरी बेटी, क्या तुम जख्मी हो बेटी? जंग में ऐसा होता है। ऐसी क्या बात है कि तुमने मुंह फेर लिया बेटी? तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी आइगुल, मेरे नवासे को तुमने मुझसे क्यों छुपा के रखा? क्यों?